दिन आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है तेईसवा प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ जो मुंतखब हो चुके हैं और अतमाद का वोट लेकर उन्होंने असम्बली के अंदर एक बड़े जोशो जज्बे से वज़ी अजम का भी वोट ले लिया और उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच भी की और पूरी कौम के लिए बहुत सारे जो पैगाम भी दे दिए पूरी कौम को और मैं इस वक्त मौजूद हूँ भागलुनी के अंदर जो तारक मसीह गिल साहब ने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है और इसी खुशी के साथ कि हमारे जो कायद हैं मियाँ शबाज शरीफ पार्टी की तरफ से वो इस वक्त वज़ीअलम बन चुके हैं इसी खुशी में इन्होंने ये यहाँ का इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिठाई और भंगड़े वगैरह डाले जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर नून लीग के जो जियाले हैं वो इस वक्त उनके साथ यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारी जो आगे की जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी जो एक नया अमल आने वाला है कि वहाँ पर भी अदम अतमाद का वोट आने वाला है और उस पर भी तंजीम साजी हो रही है और वहाँ पर क्या रोल होगा इसी हवाले से हम तारक गिलसा से पूछेंगे कि ये जो चेंजिंग जो तब्दीली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में आई है वो पंजाब के अंदर कैसे आएगी तो आइए इनसे ज़रा बात करते हैं

जीना आप देख सकते हैं कि जितना जोश व जज्बा यह नून लीग के शेरों के अंदर है उसी तरह ही तारक गिल साहब के भी नारे सुने हैं आपने और बड़ी ख़ुशी की जो लहर है पूरे जो जितने भी लीगी जो शेर हैं उनके दिलों में धड़क रही है और बड़ी ख़ुशी के साथ ये कह रहे हैं कि हमारा वज़़र अज़म मियाँ शहबाज शरीफ़ और तारक गिल साहब ये बताइएगा कि जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान में चेंजिंग आई है और आपके जो कायद हैं शहबाज़ शरीफ साहब वो वज़ी अजम बन चुके हैं और तेईस में वज़ी अजम बने हैं पंजाब में क्या चेंजिंग आना चाह रही है देखें ये लोगों की दुआओं का नतीजा है गरीब लोग जो थे वो तो पिस जा रहे थे लेकिन मिडल त, त, लेवल के जो लोग थे ना उनका जो हाल हुआ वो भी तोबा तोबा कर गए यहाँ तक कि अमीर गरीब मिडल लोग जो है ना सब के सब इस तरह पिसे हैं कि उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे उनकी ग़ुरबत का मजाक किया जा रहा था और ये नाहल और चाहल जहन रखने वाला प्राइम मिनिस्टर जो इस मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर सौंप दिया गया और सेलेक्ट किया गया इस अजीब किस्म के इंसान ने अजीब किस्म की पॉलिसीज़ को अपनाया और जिससे आज डॉलर का रेट जो है वो एक सौ तक चला गया जो ही ये रेट एक सौ नब्बे तक गया दो हज़ार में डॉलर का रेट एक सौ पच्चीस रुपये था और जब आज देखें कि मियाँ शबाज शरीफ की अभी आमद हुई है तो कहता था ये अपनी तकारीर में जब ये कंटेनर के ऊपर बैठा हुआ था ये एक मदारी और खमारी और न्याजी जब ये कंटेनर पे बैठा हुआ था तो ये कहता था कि अगर डॉलर एक रुपया बढ़ता है तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को आग लगा दो प्राइम मिनिस्टर को जूतियाँ मारो प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा सलूक करो कि उसको याद रहे तो मेरे भाई आपने 125 से डॉलर का रेट बढ़ाया और डॉलर का रेट बढ़ते बढ़ते एक तक चला गया और अब मुझे ये बताओ तेरा क्या हाल होगा अब तेरे साथ हम क्या सलूक करें और मेरे कायद मेरे लीडर मेरे बब्बर शेर मियाँ शबाज शरीफ की हकूमत आज शुरू हुई लेकिन जब अदम इतम का वोट जब दिया गया और अदम इतमाद के वोट में मियाँ शबाज शरीफ की कामयाबी हुई तो डॉलर का रेट 190 से नीचे गिरता गिरता आज एक तक आ गया बल्कि एक सॉरी एक तक आ गया आठ रुपये रेट जो है वो कम हो गया 90 से बयासी पर आ गया अब तुझे शर्म आ रही है कि नहीं बताओ तेरी हुकूमत में एक गया मेरे बबर शेर की हुकूमत अभी आई नहीं थी सिर्फ तेरे ख़िलाफ़ अदम इतमाद हुआ लोगों ने सुख का सांस लिया वो बादल जो गम की दास्तान बताते थे वो बादल जो इस तरह से छाए हुए थे और काली घटाने हमारी सांसें बंद कर रखी थीं जब मेरे कायद मियाँ शबाज शरीफ ने आपके खिलाफ अदम इतमाद के वोट में कामयाबी हासिल की तो उसके बाद डॉलर का रेट नीचे आ गया सोने का रेट नीचे आ गया और आज प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मैं ये तहिया भी तहिया करते हुए कहता हूँ और मैं बड़ा यकीन के साथ और उम्मीद के साथ इस बात का ऐलान करता हूँ साजिद भाई के आटे का रेट भी नीचे आएगा चीनी का रेट भी नीचे आएगा पेट्रोल का रेट भी नीचे आएगा बिजली गैस और पानी के बिल का रेट भी नीचे आएगा और मेरी पब्लिक जो पाकिस्तान के अंदर है वो सारे के सारे सुख का सांस लेंगे और दिल, मेरा दिल। तारे शेराया और, शेराया। और मैं एक और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आप लोगों को ये सबक दे रहे हो कि जी मैं चला गया हूं तो आप सड़कों पे आ जाओ और भाई सड़कों पे अब कोई नहीं निकलेगा सड़कों पे वही लोग निकलेंगे जो आपसे और आपके जहन से मुतफिक हैं और वो लोग वो होंगे जिनको कोई पता नहीं कि मुल्क कहाँ पे जा रहा था आज हमारा मुल्क उस जगह पे पहुँच चुका था कि जहाँ पे हमारा जीना हराम हो चुका था लेकिन आज मेरा कायद मेरा बब्बर शेर मेरा लीडर मियाँ शहबाज शरीफ इस मुल्क का वज़र अज़म बन चुका है और खुदावंद के फजल से मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि अब सारे की सारी पोजीशन स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे आएगा और इस तरह से जो महंगाई का जिन इसने बोतल से निकाला था आज मियाँ शहबाज शरीफ ने वो जिन पकड़ लिया है और आज के दिन ही वो जिन जो है वो बोतल के अंदर दोबारा बंद होगा और महंगाई को हम कंट्रोल करेंगे अच्छा जैसा तकरीर पहली जो की है उसी उसी के अंदर बताया कि आटा भी उसकी कीमतें भी कम होंगी सरकारी जो सैलरीज से, भी बढ़ेंगी और पेंशन भी बढ़ेंगी क्या यही जो इसके ऊपर जो अमल दरअद है वो यकम से कहना चाह रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की जो तब्दीली इसी तरह ही आएगी देखें जब बब्बर शेर ऊपर वफाक में आ गया है और मैं उन मुत पार्टियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके अंदर पीपल्स पार्टी जमयतलबा इस्लाम और फजल रमान साहब की ग्रुप जे यू आई ये सारी की सारी तंजीमे जो हैं जिन्होंने मियाँ शबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने में मदद किया मैं उनको भी सैल्यूट पेश करता हूँ उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ इसके साथ साथ मैं पीपल्स पार्टी के जरदारी को बिलावल भुट्टो को भी सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने दिन रात कायद मोहतरम मियाँ शबाज शरीफ का नवाज शरीफ का साथ दिया और पाकिस्तान के अंदर बसने वाली हर कम्यूनिटी के लोगों को बड़ी ताकत बख्शी और आज उनके भी इतने ही नारे लगते हैं और हम मथिध होकर इस मुल्क की भाग दौड़ को संभालेंगे और इस मुल्क की भाग दौड़ में हम एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा नहीं बल्कि ये कहेंगे बल्कि ये कहेंगे कि आज मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान की सलामती चाहते हो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली चाहते हो तो इस नाहल और जाहिल हुक्मरान को दोबारा कभी आने का सोचना भी नहीं अगर ये दोबारा आएगा तो हमें फिर फांसीियों पर मजबूरन ये लटकाएगा और इस शख्स की ना तो कोई वियन है ना कोई औकात है ना कोई हसीियत है एक तीसरे समझा कि क्रिकेट टीम को मैं लेके चलाऊं और भाई ये मुल्क की सलामती की बात है ये मुल्क पूरी दुनिया में एक बड़ी ताकत है ये एटमी ताकत है हमारी और ये एटमी मुल्क को आपने जिस जगह पे पहुंचा दिया है तो ये तो हम कुछ कहने के लिए भी हमारे पास लफ्ज़ नहीं है तो लिहाजा आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि साजिद भाई आपकी दुआओं का नतीजा है मेरे इन भाइयों की दुआओं का नतीजा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बब्बर शेर प्राइम मिनिस्टर बना पंजाब के अंदर भी पंजाब के अंदर भी क्या होगा मियाँ हमज़ा शबाज शरीफ वजीर अला पंजाब होगा वजीर अला पंजाब होगा और हमजा शबाज भी अपने बाप की तरह अपने लीडर की तरह जैसे मियाँ शबाज शरीफ का नाम स्पीड रखा गया इसी तरह ये चूंकि उसका अर, फ़रजंद अर्जुमद है ये चूँकि मियाँ शबाज शरीफ का बेटा है क्योंकि यह उसका शेर है तो ये भी बड़ी स्पीड के साथ पंजाब के सूबा में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसमें तरक्याती कामों का जाल बिछा देगा और अब भी पहले इसकी हकूमत में तो कूड़ा क्रिकेट ने जन्म लिया और जगह जगह पे गंदगी के ढेर थे अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब गंदगी के ढेर ख़त्म होंगे और ये पाकिस्तान पाकिस्तान के सूबे पाकिस्तान के शहर ये सारे के सारे साफ़ सुथरे नज़र आएंगे और नौजवानों के लिए तरक्याती पैकेज होगा स्टूडेंट तरक्की करेंगे उनको नौकरियाँ मिलेंगी चलो हम ए, एक करोड़ नौकरी तो नहीं दे सकते हम तो लाखों की शक्ल में बात करेंगे पूरे पाकिस्तान में गरीब तलबा को भी हम पहले भी स्कॉलरशिप देते रहेंगे लैपटॉप की शक्ल में नकदी की शक्ल में अब फिर दिया जाएगा और मिनोरिटीज़ के तमाम लोग भी खुशहाल रहेंगे ये है हमारा विजन कि हम इस मुल्क में रहने वाली तमाम मिनोरिटीज़ को जिसमें मसीही हिंदू सिख पारसी बुद्धि सिख ये सारे के सारे होंगे और मसीही लोगों की तरक्की का सबब जो बनता है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात में ही मुमकिन है जी नाजिन जिस तरह आपने नून लीग के जालों में और तारक गिल गिल साहब जो हैं उनके नारों में आपने जो खुशी देखी है उसी तरह जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसम्बली में जो वादे कर दिए हैं और इसी तरह ही जिस तरह ये खुशियाँ ये जो एहसास हैं इनके दिलों के अंदर हैं अगर हमारी जो आम आवाम है उनके मुंह के ऊपर भी खुशी अगर आ जाएगी तो मेरा ख्याल है कि हमारी قوم जो है बेहतरी की तरफ जाएगी शाबाश तेरी सूरत को सलाम है सोम हमजा तेरी सूरत को सलाम है सोम हमजा 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 हमजा